आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ नगर के सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्रह्मस्थान पर रविवार को सांसद खेल महोत्सव 2023 का भव्य आगाज हुआ। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और डीएम विशाल भारद्वाज ने मशाल प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सांसद खेल महोत्सव में 500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। इस प्रतियोगिता में कुछ 11 प्रकार के खेलों से संबंधित 20 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 7 जून तक चलेगी, जिसका समापन पुरस्कार वितरण के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कर सकते हैं। इसके साथ ही सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव भी शामिल होंगे। रविवार को प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ हुआ, इसके साथ ही खेलों का आगाज हो गया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालकर उन्हें मंच उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि खेलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस नारे के संकल्प के साथ हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हमारा प्रयास है कि जनपद की जो खेल प्रतिभाएं हैं वह निखरे और विश्व पटल पर जनपद का मान बढ़ाएं। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह, संतोष श्रीवास्तव, विनीत सिंह रिशु, मोनू विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। और शुभारंभ, कितने प्रकार के खेल हैं और कई दिवसीय कार्यक्रम है? ये 4 दिन का कार्यक्रम है और इसमें 11 तरह के जो खेल हैं उसको सम्मिलित किया गया है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और उनके प्रेरणा से पूरे देश में जितने सांसद हैं सभी लोग खेल महोत्सव कराते हैं, सांसद खेल महोत्सव, और उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ आजमगढ़ में ये सांसद खेल महोत्सव करा रहे हैं, जहाँ जो यहाँ हमारे आजमगढ़ की प्रतिभा है अलग अलग खेलों में उनको प्रोत्साहन देने के लिए, और वो यहाँ पे खेलेंगे और उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ने के लिए भी हम लोग मदद करेंगे। कहाँ कहाँ की टीमें हैं यहाँ? पूरे ज़िले की टीमें यहाँ पे आई हैं, पूरे ज़िले से सिलेक्शन किया गया है। और अब ये 4 दिन जो चलेगा उसमें 7 तारीख को फाइनल होगा और जो टीम विजेता होगी उनको कैश प्राइज भी दिया जाएगा। कौन कौन से खेल इसमें हैं प्रमुख रूप से? इसमें प्रमुख रूप से क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, उसके बाद पेंटिंग है, डांस कंपटीशन है, प्रतिबंध अरे निबंध लिखने का है, कविता लिखने का, ये सारा। क्या उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, और खेल को प्रोत्साहन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समापन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी करेंगे? हम लोग उनकी चाहते तो हैं कि वही आए, उनको हम लोगों ने निमंत्रण भी भेजा है तो अभी, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई फाइनल कॉल आया नहीं है, तो जैसे वो कहेंगे कि आ रहे हैं तो हम लोग बताएंगे। अभी तक हमारे खेल मंत्री जो उत्तर प्रदेश राज्य खेल मंत्री हैं गिरीश चंद यादव जी वो आ रहे हैं, हमारे मनोज तिवारी जी सांसद दिल्ली के वो आ रहे हैं, हमारे जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी वो आ रहे हैं, और बाकी जिनको जिनको हम लोगों ने निमंत्रण भेजा है जैसे जैसे फाइनल होगा तो वो नाम होंगे। एक मिनट पीछे सब लोग आइए, थोड़ा सा पीछे थोड़ा प्लीज भैया, एक साइड आओ सभी लोग, सर्कल बनाइए, सर्कल में समय लगी ना, यहाँ पर चलो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।